तो नए साल की छुट्टी कैसे हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि नए साल का एक लंबा प्राचीन इतिहास है। वास्तव में नए साल का सम्मान करने के लिए सबसे पहले दर्ज किया गया उत्सव 4000 साल पहले 2000 ईसा पूर्व में माना जाता है। history.com के अनुसार इन बेबीलोन ने अक्तू नामक 11 दिवसीय त्योहार के साथ पहले विशु के बाद नया साल मनाया, जो कि आमतौर पर मार्च के अंत के आसपास रहता है, जिसमें इसके प्रत्येक दिन के अलग धार्मिक क्रियाएं शामिल थी। इन छुट्टियों में आकाश देवता मर्दुक की पौराणिक विजय को समुद्री देवी तियामत के ऊपर मनाया और इसमें नए राजा का मुकुट बनाने या पुराने राजा को अपना शासन जारी रखने की अनुमति देने का कार्य भी शामिल था। किसी भी तरह से इस 11 दिवसीय उत्सव ने शायद हमारी वर्तमान नए साल की नाइट पार्टियों की अहमियत कुछ कम तो कर ही दी है। हम जनवरी में ही नए साल का जश्न क्यों मनाते हैं? हालांकि अब हमारे लिए नए साल के दिन की तारीख स्पष्ट है, लेकिन छुट्टी हमेशा जनवरी में नहीं मनाई जाती थी। समय के साथ विभिन्न सभ्यताओं ने आमतौर पर एक महत्वपूर्ण खगोलीय या कृषि घटना के दौरान नए साल का स्वागत किया, जैसे कि मार्च में मनाए जाने वाले रोमन उनके चंद्र चक्र का पालन करते हुए 46 ईसा पूर्व तक, जब सम्राट जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर पेश किया। इस महीने का नाम जानुस, शुरुआत के एक रोमन देवता जिनके दो चेहरों ने उन्हें अतीत और भविष्य में एक साथ देखने की अनुमति दी, उनका सम्मान करते हुए जूलियस सीजर ने 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया। इस नव दिनांकित अवकाश पर रोमनों ने न केवल जानुस को बलिदान देकर बल्कि उपहारों का आदान प्रदान, पार्टियों में भाग लेने और अपने घरों को लॉरेल शाखाओं के साथ सजाने के द्वारा मनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।